सारा रोड टूटा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग रिक्शा पे नहीं जा सकते। बारिश में ऐसे ही हो जाता है कि दलदल है, हम लोग पैर भी नहीं रख पाते हैं। ऐसे पत्थर अगर किसी के दिमाग में लग जाए तो बंदा इमीडिएट मर जाएगा। बच्चे निकलते हैं तो गोटे गुटे तोड़वाए हुए हैं। ना गली में सीवरों का काम हुआ जब से साल से ऊपर हो गया। यहाँ झाड़ू वाले आते हैं लेकिन वहाँ कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है, ये छोटी गली है, छोटी गलियों में क्या मतलब आदमी नहीं है। यहाँ की आप गलियाँ देखो, गलियों में देखो कितना ज्यादा गंद है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे लोग रहने लायक ही नहीं है यहाँ के। अगर कोई इंसान मर जाता है रिक्शा से पलट के, बाइक से पलट के कोई मर जाता तो सरकार पूछने आएगी? नहीं आएगी पूछने। हमें तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही, अब किसको मिल रही है ये नहीं पता। इलेक्शन आएंगे तो 500 रुपए ले ले, तू चल इधर वोट डालने, बारिश आ जाए नालियों का पानी रोड पे आ जाएगा, लेकिन नई जगह नहीं होती, इतना पानी होता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं विजय विहार के इलाके में। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यह मेन रोड है, यहाँ पर काफी गाड़ियों का आना जाना, पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर काफी दुकानें हैं, मार्केट एरिया है, तो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। यह बहुत जरूरी है कि मेन रोड जहाँ पर हजारों लोगों को आना जाना है वहाँ की हालात और कंस्ट्रक्शन ठीक से होनी चाहिए, पर यहाँ के हालात काफी ज्यादा खस्ता हम लोग देख रहे हैं। लोगों का आना जाना बेहद ज्यादा मुश्किल है और ऐसे सड़क के इन हालातों की वजह से दुर्घटना होना बेहद ही आम बात बन चुकी है। तो लोगों का कहना है कि काफी लंबा समय हो गया है इस तरह के हालात यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। काफी बार कंप्लेंट्स करवाने के बाद दिलासा देते हैं और काम नहीं करते हैं। तो इस बारे में लोगों से हम जानते हैं, उनकी राय पूछते हैं। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं आपको, जिनसे आपको रोज जूझना पड़ता है। हमको यहाँ पे मेन है कि सारा रोड टूटा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग रिक्शा पे नहीं जा सकते, और आप बारिश में तो यहाँ पे निकल ही नहीं सकते हम लोग। बारिश में ऐसे ही हो जाता है कि दलदल है, हम लोग पैर भी नहीं रख पाते हैं। लेडीज यहाँ पे अपनी स्कूटी कन्वेंस कुछ भी नहीं ले सकते। कल मैं यहाँ पे जा रही थी तो एक लेडी बेचारी फिसल गई एक्टिवा से। बताओ अगर वो गिर जाती तो वो मर भी सकती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखो पत्थर निकले हुए हैं। ऐसे पत्थर अगर किसी के दिमाग में लग जाए तो बंदा इमीडिएट मर जाएगा। इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। 40 फुट रोड बना दिया, बोले थे ये वाला रोड भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है और ना ही हमें अब तक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा। अब तक ये जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो ये बोल रहे कि ये वाला रोड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और सरकार है, वहाँ पे कोई और सरकार है। हमें तो किसी चीज के बारे में पता नहीं, बस हमको ये है कि हम यहाँ पे बिल्कुल निकल ही, बारिश के दिनों में तो हम लोग बिल्कुल नहीं निकल सकते। हम तो उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारे काम करवाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल हो, हम कट्टरपंथी में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ की आप गलियाँ देखो, गलियों में देखो कितना ज्यादा गंद है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे लोग रहने लायक ही नहीं है यहाँ के। सीवर के काम करवाने के बाद डेली तोड़फोड़ होती है, डेली इतने इतने खड्डे, इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पे कि हम लोग बारिश के दिनों में पूछो इन लोगों से जो लोग यहाँ से रहते हैं, निकल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। इतनी ज्यादा परेशानी होती है, रिक्शा आती तो रिक्शा पलट जाती है। अगर कोई इंसान मर जाता है रिक्शा से पलट के, बाइक से पलट के कोई मर जाता तो सरकार पूछने आएगी? नहीं आएगी पूछने। मात्र ये जो जीने हैं लोगों के, जो जीने हैं बस इन पे चढ़ चढ़ के हम लोग सहारा ले लेके हम लोग निकलते हैं। अगर यहाँ पे किसी को करंट लग जाता है खंबे से तो कौन जिम्मेदार है? सर जैसे कि आप टू व्हीलर चला रहे हैं, रोज का आपका आना जाना है, तो इन रोडों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? पानी भर जाता, बहुत ज्यादा पानी हो जाता, आदमी निकल नहीं सकता। गलियों गलियों में कितनी जगह बंदा घूमेगा, हर जगह 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 पानी भर जाता सारा। बैटरी रिक्शा वाले यहाँ पर नहीं आते, नहीं आते, मना करते हैं, कहते हैं रास्ता खराब है, और अगर कोई बाई चांस आता भी है तो वो ना डबल तो क्या ट्रिपल किराया मांगता है, 10 रुपए लगते हैं, 30 रुपए मांगता है। तो बताओ कितने तक किलोमीटर तक ये रोड नहीं बना हुआ है? अभी ये जहाँ तक यहाँ से लेके पूरा नहीं बना हुआ, ये भी अभी बनाया नहीं, तो इसमें भी बड़ी परेशानी थी। अलवर पहले ठीक था? हाँ, जब तो थोड़ा रो का काम हुआ है ना तब से ये तोड़ फोड़ का भी, पहले पानी के लिए सीवर पाइप पड़े हैं, फिर सीवर टूटे हैं और सीवर तो डल गए हैं, तो रोड तो बनाए आके। यहाँ झाड़ू वाले आते हैं लेकिन वहाँ कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है, ये छोटी गली है, छोटी गलियों में क्या मतलब आदमी नहीं है। तो वहाँ पे झाड़ू वाला कोई नहीं आता, कोई लगाता ही नहीं है, हम पैसे दे के लगवाते हैं लेकिन फिर भी वो जो बहुत तंग करते हैं, ना कूड़ा उठाते हैं ना झाड़ू लगाते हैं। लैंड हर चीज के लिखवाई है, सफाई के लिए लिखवा दी, झाड़ू के लिए लिखवा दी, कोई सुनवाई नहीं होती। हमें तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही, अब किसको मिल रही है ये नहीं पता। हालात यहाँ के बहुत बेकार है, बस ऐसा ही। लोगों को काम करना चाहिए आप लोगों के लिए, यहाँ पर वो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जो अगर करवाना भी है तो खुद पैसे लगवा के करवाओ, सरकार किस लिए जब खुद ही करवाना हर काम। तो पहले यहाँ पे रिक्शे खड़े रहते थे कि घर से निकलो और रिक्शा मिल जाता था, अब यहाँ इतनी खराबी हो गई, इतना खराब हो गया कि बस कोई चीज कोई देखने भी नहीं आता। मैंने पूछा भी कई बार इनसे जो इधर सड़क बनाने, कह रहे हाँ बनेगी बनेगी, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं बनेगी, वोट तो यहीं से ले गए, और वो भी उनके पास जाए तो कहते अवंतिका वालों ने दिया है, हम इधर वालों ने वोट ही नहीं दिया, जबकि यहाँ वालों ने भी वोट दिया है, लेकिन यहाँ देखने ही नहीं आते। और उस दिन देखने आ रहे थे, परसों देखिए ये सब लगा है, ये जो भाजपा वाले आए थे तो MCD से, उन्होंने बस वहीं तक कराया देखना, और वहीं तक सड़क
बनी वहीं पर देखने आए कि देखो ये बना दिया, और तीन तीन चार चार बार झाड़ू लगी है। तो रोड का कह रहे हैं कि हमारा वहीं तक का बजट है, इसका बजट दिल्ली जल बोर्ड के पास है, उधर का बोर्ड MLA के पास है, यही कंफ्यूजन हो रही है, ये लड़ाई वड़ाई चल रही है कि पता नहीं वो कब रोड बनेगा। वो कहते हैं ये बनाएंगे दिल्ली जल बोर्ड बनाएंगे, वो कहते हैं MLA बनाएगा, इस चक्कर में कंफ्यूजन में ये रोड का काम रुक गया है। कह रहे हमारे पास नक्शा वहीं तक का पास है। देखो इलेक्शन आते हैं तो नाली भी साफ होती है, रोड भी साफ होता है, ठीक है, और बाकी कोई काम नहीं होता इधर। फिर डेढ़ दो साल हो जाते हैं, इलेक्शन आएंगे तो 500 रुपए ले ले तू चल इधर वोट डालने, सब जगह होता है। वोट खरीदे जाते हैं? खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, जो काम बढ़िया करेगा हम वोट उसको डालेंगे, लेकिन काम बढ़िया करो। बारिश आए नालियों का पानी रोड पे आ जाएगा, लेकिन नई जगह नहीं होती, इतना पानी होता है यहाँ पे, खाली दिखावा होता है बस यहाँ पे। जैसे कि लोगों द्वारा बताया गया है कि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद भी यहाँ के रोडों की किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है। बारिश के समय में यहाँ के हालात बेहद ही ज्यादा बुरे हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोगों को गंभीर चोटें आ जाती हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कोई काम ना किया जाए, सिर्फ इलेक्शन का वेट ना करके लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम हो तो हमारे समाज में काफी ज्यादा विकास हो सकता है। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, चलको दिल्ली।